हेलो ब्यूटीफुल पीपल, खुश आमदीद मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब गाइज? यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज आज आप लोगों को मैं इंस्टॉलेशन करवाने जा रहा हूँ VIP कंसोल 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये फिनिक्स ओएस का मोड है और ओल्ड है और ये काफ़ी अच्छा है ओल्ड सिस्टम के लिए। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसके अंदर जो रूट है वो है मैगस का। ठीक है, और मैगस के अंदर आपको पता है कि बहुत ही कमाल कमाल की बूस्टिंग वाली एप्लीकेशन सपोर्टिंग करने वाली आ जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो यार यहाँ पर मार्कोर गेमिंग फिनिक्स ओएस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मार्कोर ओएस आर्मी है तो यार लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। तो गाइज अब हम चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, मैंने इसे यहाँ से 7-zip से एक्सट्रैक्ट हियर किया तो मुझे ये ISO फाइल मिली। तो अब सिंपली मैंने क्या करना है कि जाना है डिस्क जीनियस पे। तो डिस्क जीनियस को यहाँ पर ओपन करते हैं और यहाँ पर मैंने ड्राइव बनानी है 20 GB के एक, और उसके बाद उसे फॉर्मेट करना है EXT4 पे। तो गाइस डिस्क जीनियस को कैसे इंस्टॉल करना है, क्रैक करना है, उसका मैंने पूरा प्रोसेस एक वीडियो में बना दिया। ठीक है, आप लोग देख लें, कमेंट सेक्शन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर आप लोगों को मैंने 20 GB की हार्ड ड्राइव बनाना भी सिखाया, और उसके बाद ग्रैब टू विन का जो EFI UFI और लेगेसी का एरर आता है उसको फिक्स करना भी बता दिया है। तो गाइस अब आपने सिंपली ये करना है कि आप लोगों को यहाँ पर मेरी एक ड्राइव मिलेगी जिसका नाम है आपके पास K। ठीक है, अब मेरा जो सा ये K है। ठीक है, आप लोगों का जो भी आप देख लें, इसके अंदर अभी देखें ये टोटली एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, तो अब हमने इसे फॉर्मेट करना है। ठीक है, तो आपके पास कोई भी ड्राइव पड़ी हुई है जो कि 20 GB की या 100 GB की है, खाली है, तो आप उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद फॉर्मेट करंट पार्टीशन पे जाऊँगा, NTFS को यहाँ से हटा के EXT4 कर दूंगा और नीचे नेम दे दूंगा VIP, और उसके बाद इसे हम कर देंगे फॉर्मेट। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगी और उसके बाद जो हमारी ड्राइव है वो सक्सेसफुली फॉर्मेट हो जाएगी EXT4 पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो ड्राइव है वो EXT4 पे फॉर्मेट हो गई है। तो अब इसे ओपन करेंगे, यहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम हमने देना है VIP। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं VIP दे दिया है, उसके बाद ओके करना है, फिर ओके करना है और फिर फोल्डर में जाना है और यहाँ पर एक और फोल्डर बनाना है जिसका नाम देना है डाटा और ओके कर देना है। अब यहाँ से जो ISO की फाइल्स है ना इसके अंदर, तो अगर आपके पास विंडोज 7 है 8 है, आपके पास अगर यहाँ पर ओपन विद विंडोज एक्सप्लोरर नहीं आता तो आपने 7-zip से एक्सट्रैक्ट क्लियर कर लेना है, तो यहाँ पर ही आपके पास फाइल आ जाएंगी। तो ओपन विद विंडोज एक्सप्लोरर पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ये जो फाइल है इन नेट इंस्टॉल कर्नल रैम डिस्क सिस्टम, ठीक है, इनको सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से उठाना है और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना और यस कर देना और फिर ओके कर देना है। तो हमारी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर पेस्ट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। एक और फाइल है फाइंड मी की, वो यहाँ पर पेस्ट करनी लाजमी है, अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे पास बूटिंग पे एरर आएगा कर्नल नॉट फाउंड का। तो कंप्लीट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो फाइल हमने एक और पेस्ट करनी है वो यहाँ पर है। ठीक है, ग्रैब कोड भी है और उसके बाद VIP फाइंड मी, इसको यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद यस कर देंगे और फिर ओके कर देंगे कंप्लीट। अब हमारा सारा प्रोसेस डिस्क जीनियस का कंप्लीट हो चुका है, तो डिस्क जीनियस को हम करेंगे यहाँ पर क्लोज। तो अब हमने सिंपली ये करना है कि अपना जो ग्रैब कोड है ना इसको हमने ओपन करना है और इसको हमने कर लेना है यहाँ से Ctrl+A करके कॉपी। ठीक है, और इसको हम कर देंगे यहाँ पर क्लोज। अब हमने ओपन करना है ग्रैब टू विन और यहाँ पर जाकर हमने अपना जो ग्रैब कोड है वो पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे डिलीट करता हूँ, ये मेरी पहले से एंट्री ऐड थी तो आप लोगों ने घबराना नहीं है इस बात से। तो अब सिंपली गाइज आपने ये करना है कि ऐड अ न्यू एंट्री पे जाना है और उसके बाद आपने यहाँ पर टाइप पे जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगा सब मेन्यू। सब मेन्यू पे जाने के बाद आपने सिंपली ये करना है कि यहाँ पर जो नेम है ना इसे आपने कर देना है VIP, और नीचे आपने एडेड कस्टम कोड पे जाना है और यहाँ पर अपना जो ग्रैब कोड है वो पेस्ट कर देना है और कैंसिल करेंगे, सेव कर देंगे और फिर ओके कर देंगे और अप्लाई करना है, फिर ओके करना है और यहाँ पर आके सामने आपने टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपने गाइस सिंपली ये कर देना है कि यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने ओके कर देना। तो हमारा सारा प्रोसेस जो विंडो का था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करेंगे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट और जाके बूटिंग पे देखेंगे कि हमारा ग्रैब टू विन वर्क कर रहा है कि नहीं। सो लेट्स गो गाइस। तो गाइस सबसे पहले आपने अपने सिस्टम को यहाँ पर करना है रीस्टार्ट।
और फिर यहाँ पर करना है थोड़ा सा इंतज़ार। सो फाइनली हमारा जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट हो चुका है। अब ग्रैब टू फॉर विंडोज़ पे हमने जाना है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर इंटर कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका VIP कंसोल जो आपने नाम दिया है वो सिलेक्ट नहीं है तो आपने सेलेक्ट कर लेना और इंटर करना है। और फिर यहाँ पर गाइज बूट VIP कंसोल 2.1 पे आपने इंटर कर देना है, और यहाँ पर हमारा जो ग्रैब कोड है वो बूटिंग करेगा। थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना है, इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो यहाँ पर अभी स्टार्ट हो जाएगी। ग्रैब टू फॉर विंडोज़ पे फिर दोबारा जाना है, फिर VIP कंसोल पे आपने जाना है। तो कभी कभार ये होता है कि आपके पास सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है, आपने फिर दोबारा वही प्रोसेस करना होता है, तभी आपके पास जो आपका OS है ना वो बूटिंग करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो OS है वो इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेटअप आ जाएगा। तो गाइज अब हमारे पास यहाँ पर आ चुका है सेटअप, आपने नेक्स्ट करना है और उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन आ गया, तो आपने फिर दोबारा नेक्स्ट करना है और फिर फिनिश कर देना है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कवर है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका जो ब्राइटनेस है उसे तेज कर देते हैं, और जाके अभी हम चेक करते हैं कि इस पे हमें कर्नल कौन सा प्रोवाइड किया है वर्जन। अब देखें VIP कंसोल 2.1 7.1.2 इसका एंड्रॉयड वर्जन है और कर्नल 4.14.50 है, ठीक है। तो मैसा आपका देख लें डिफ़ॉल्ट है OpenGL 3.0 और बहुत ही अच्छा ये फास्ट वर्किंग करने वाला OS है, ठीक है। इसके साथ आप लोग अच्छी एक अपनी गेम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैगस मैनेजर जो है वो भी प्रोवाइड कर दिया गया है। सो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। लव यू गाइज, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।